and build bridges humanity. देवी और सोजन, इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य गुजरात की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगालियान साल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। मैंने कुछ कलाओं का ही नाम लिया है, लेकिन सभी कलाएं अनमोल है और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे गुजरात की पारंपरिक कला माता नीपछेड़ी के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री भानुभाई चितारा की जी जो वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का मुझे अवसर मिला है। गुजरात की चित्रकार पिथोरा के सुंदर प्रदर्शन करने वाले श्री परेश राठौर जी को भी मैं 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुरस्कार मिला तो एक सम्मान है, लेकिन सच्चे कलाकारों की अपनी कला को निखारने में जो आनंद आता है वो सबसे बढ़कर है। मैं आप सभी कलाकारों को साधक मानती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वर्षों के मेले के सांस्कृतिक भागीदार है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम से मुझे असम की बहन श्रीमती हेमप्रभा सुतिया जी का स्मरण किया, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। हेमप्रभा जी ने भगवद गीता और अन्य प्रधान महान ग्रंथों की कथा और दर्शन को हथकरघे से कपड़े पर सजीव कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट की एक और बहन नागालैंड की श्रीमती नोहुनुओ सोरी जी ने अनेक कठिनाइयों के बीच हथकरघा और हस्तशिल्प में महारत हासिल की है और उन्हें आगे बढ़ाया है। उनको भी मैं 2023 के पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का अवसर मिला। देवी और स्वजन, हमारे शिल्पकार भाई बहनों ने हमारे देश की कला विरासत को संजो कर रखा है, इसके लिए मैं देश के सभी शिल्पकारों की सराहना करती हूँ। हमारे मृतशिल्पी और मूर्तिकार मिट्टी और पत्थर में प्राण फूंक देते हैं। हमारे चित्रकार रंगों के माध्यम से ऐसे चित्र बनाते हैं जो जीवंत लगते हैं। हमारे शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों को आवश्यक आकार और स्वरूप प्रदान कर देते हैं। हमारे कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सुंदरता का सृजन करते हैं। ऐसे अनेक कलाओं की हमारे देश के शिल्पी सदियों से हमारे देशवासियों के जीवन को सजाते संवारते रहे हैं। ऐसे शिल्पी भारत के सभ्यता और संस्कृति के निर्माता भी रहे हैं और संरक्षक भी। आज के हमारे शिल्पकार भाई बहन हमारे सभ्यता और संस्कृति के उस अनमोल विरासत के को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। ये मेला हमारी परंपरा और उत्सव भी है और नवीनता का भी है। ये मेला हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का प्रभावी मंच भी है। ये मेला कला प्रदर्शनी भी है और व्यापार केंद्र भी है। मैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं पूछ रही थी अभी, ये इतने दिनों से जो मेला चल रहा है, इतने सारे लोग हजारों स्टॉल यहाँ लग रहा है देश विदेशों से, कितने खरीद बिक्री हो रहा होगा? तो उन्होंने बताया शायद 20 करोड़ से ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे केवल खरीद बिक्री नहीं,
यहाँ का जो शिल्पकार होते हैं, बुलाकार होते हैं, जो भी कला संस्कृति से जुड़े जो शिल्पी होते हैं, उनका प्रतिभा भी लोग जानते हैं और बाद में उनके साथ और संपर्क रखते हैं। और इसके लिए हम लोगों का आर्थिक जो विकास भी होता है, इसीलिए ये मेला बहुत ही सुंदर मेला है। ये मुझे लगता है यार इसका भविष्य और भी सुंदर होगा और भी उज्जवल होगा। ये मेला अनेक देशों के हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी है। इस मेले के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों संस्थाओं की और विभागों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस मेले के आयोजन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। मैं सभी शिल्पकारों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति।